हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम करेंगे चैप्टर 6 जो कि है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो देखिए, चैप्टर 6 को करने से पहले इसके बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर होता है जब किसी भी नंबर को उसी नंबर से एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम बोलेंगे उसको स्क्वायर। जैसे 2 × 2 = 4। तो 4 क्या है? 4 2 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर का साइन हम इस तरीके से ऊपर पावर लगा देते हैं 2। लाइक 4 × 4 करेंगे तो आएगा 16। तो 16 क्या है? 4 का स्क्वायर है। ओके, तो ये इस तरीके से जो हम साइन लगाते हैं ऊपर, ये होता है स्क्वायर। स्क्वायर का मीनिंग उसी नंबर को सेम नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो उस नंबर का स्क्वायर होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए स्क्वायर रूट्स। तो हमारे पास जो नंबर है लाइक 16 है, 16 किसका स्क्वायर रूट है ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट का साइन हम लगाते हैं इस तरीके से, रूट बाय हाफ, बाहर रहेगा हाफ और ये इस तरीके से रूट का साइन लगेगा। तो 16 किसका रूट है ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम आगे मेथड देखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। अगर कोई भी नंबर स्क्वायर है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसका जो लास्ट डिजिट होगा, लास्ट डिजिट मतलब जो वंस प्लेस का जो डिजिट होगा वो क्या होगा, या तो होगा 1। तो जो उसका वंस प्लेस का डिजिट होगा वो 0, 1, 4, 5, 6 and 9। तो ये ही इसी डिजिट पे वो एंड होगा। अगर इस डिजिट पे कोई नंबर एंड होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, इट मींस। ओके, तो ये हमें याद रखना है। अदर देन दिस, इसके अदर में देखिए 2, 3, 7 और 8। अगर इनपे कोई नंबर एंड होता है, वंस प्लेस पे ये नंबर है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, तो जैसे एग्जांपल देखिए 16 6 पे एंड होता है, ये 6 इसमें आ रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, जैसे आंसर देखिए 225 5 पे एंड हो रहा है, वंस प्लेस इसका 5 है, तो इस ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस तरीके से हमें याद रखना है, जिस भी डिजिट के पीछे 2, 3, 7, 8 है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमें कह रहा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। हमें फाइंड करना है यूनिट डिजिट, ठीक है, ऑफ स्क्वायर्स। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 81, तो ये कह रहा है कि अगर हम इस 81 का स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट जो होता है, जो वंस के प्लेस पे होता है, वो क्या आएगा। तो देखिए 81 × 81 करना पड़ेगा हमें स्क्वायर करने के लिए। तो देखिए अब इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, या तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, नहीं तो एक सिंपल कॉमन सेंस लगाइए आप कि 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो डिजिट 1 ही आएगी। अगर 2 होगा 2 का करेंगे तो 4 आएगा, 3 का करेंगे तो 9 आएगा, 4 का करेंगे तो यूनिट प्लेस पे आएगा 6, 5 का करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 25 मतलब कि 5 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 मतलब कि यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 आएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे 49 मीन्स यूनिट प्लेस पे हमेशा 9 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 मीन्स यूनिट प्लेस पे हमेशा आएगा 4, और 9 का स्क्वायर करेंगे 81 मीन्स यूनिट प्लेस पे हमेशा आएगा 1, और 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमेशा यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 0। तो इस तरीके से हमें पता है, तो 1 का 1 से होगा तो यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आएगी, ऑब्वियसली 1 ही आएगी। तो ये हमें सिंपली आंसर फाइंड करना है, पूरा करके देखने की नीड नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसका सेकंड है 272। तो 272 है, अब देखिए 2 किस किस में आ सकता है, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 4। तो ये 2 का स्क्वायर करने पर इसकी इसका जब पूरे को 272 × 272 इसका स्क्वायर करेंगे तो जो यूनिट डिजिट आएगी वो होगी 4। सिंपल आंसर आ गया। तो सिर्फ हमें इसमें चेक करना है, ज्यादा कुछ भी सॉल्यूशन नहीं करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर इसका 5 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का जो 5th क्वेश्चन है 1 2 3 4,
तो फोर, फोर हमें पता है किससे आएगा, या तो टू के स्क्वायर से आता है, सॉरी तो फोर है, फोर का स्क्वायर करेंगे, फोर मल्टीप्लाई फोर 16, तो यूनिट प्लेस पे क्या आया 6, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 6। तो हमें पूरे का स्क्वायर करके देखने की नीड नहीं है, हम लास्ट डिजिट का स्क्वायर करके चेक कर लेंगे कि यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड 6.1 नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे क्या हो गया? गिव रीजन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमें कह रहा है कि कुछ नंबर्स हैं जो कि परफेक्टली स्क्वायर नहीं है, हमें उनके रीजन बताने हैं कि वो क्यों नहीं है। तो नंबर्स देखिए क्या क्या है, 1057 एंड नेक्स्ट है 5050 एंड 50। एट क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें पूछ रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, ये नंबर हमसे रीजन पूछ रहा है कि क्यों नहीं है। तो सबसे पहले तो देखिए, हमने एक चीज देखी थी कि जो भी नंबर क्या है, तो हमने देखा था कि जो भी नंबर 2, 3, 8, 7 पर एंड होते हैं वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। तो देख लीजिए कौन कौन से नंबर है जो एंड होते हैं, 7 पे हो रहा है, 3 पे हो रहा है, 8 पे हो रहा है और 2 पे हो रहा है, 2 पे हो रहा है। तो इनका रीजन तो ये हो गया कि ये 7 पे एंड हो रहा है, ये 3 पे एंड हो रहा है इसलिए नहीं होगा, ये 8 पे एंड हो रहा है इसलिए नहीं होगा, ये 2 पे एंड हो रहा है इसलिए नहीं होगा, ये भी 2 पे एंड हो रहा है इसलिए नहीं होगा। अब देखिए जो जीरो वाले हैं, जीरो में मैंने आपको बताया था कि जो जीरो पे एंड होता है स्क्वायर में आ सकता है, लेकिन अब हमें देखने वाली बात यह कि जहां भी जीरो होंगे ना तो वो इवन नंबर में होंगे। जीरो किस में होना चाहिए? इवन। अब इसमें जीरो कितने हैं, देखिए पीछे 3 है, इवन नंबर में जीरो नहीं है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसमें देखिए जीरो, इसमें भी 3 है, इवन नंबर में जीरो नहीं है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट यहाँ जीरो एक ही है तो क्या ये हो सकता है? ये भी नहीं है क्योंकि इवन नंबर में जीरो नहीं है। तो इस तरीके से जीरो के लिए हमें ध्यान रखना है, अगर इवन नंबर में है पीछे जीरो तब तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, अगर यहाँ 4 जीरो होते तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, लेकिन यहाँ 4 नहीं है, 3 ही है, इवन नंबर में नहीं है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है स्क्वायर ऑफ विच नंबर एंड विद विल बी, विच नंबर विल बी ऑड नंबर। ये हमें इसमें कुछ क्वेश्चन दे रहे थे, पूछ रहा है कि इनमें से किसका जो स्क्वायर है वो ऑड नंबर पे एंड होगा। तो देखिए ऑड नंबर होगा मतलब कि 431, फर्स्ट है 431, 431 वन है, लास्ट डिजिट हमें देखनी है, लास्ट डिजिट से हमें पता चल जाएगा कि नंबर ओड होगा कि इवन होगा। तो हम लास्ट डिजिट का स्क्वायर करके देख लेते हैं, वन आंसर आएगा, वन ओड होता है कि इवन होता है, तो वन ऑड, तो वन होगा तो वन ऑड है, इट मीन्स इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर ही आंसर आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है 2826, तो 2826 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 2826 खुद ही इवन नंबर है तो इसका आंसर भी इवन में ही आएगा। इट मीन्स अगर 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 6 36, तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, तो 6 क्या है, इवन नंबर है, तो इट मीन्स इसका स्क्वायर करने पर इवन नंबर ही आएगा। तो एक सिंपल सी थ्योरी हो गई कि अगर ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर ही आएगा वापिस हमें, और इवन का स्क्वायर करेंगे तो हमें वापिस इवन नंबर ही आएगा। ओके, ऑड का स्क्वायर करेंगे तो ऑड आएगा, इवन का स्क्वायर करेंगे तो इवन ही आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो पैटर्न गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना आंसर निकालना है। तो फर्स्ट हमें दे रखा है 11 का स्क्वायर, फिर 101 का स्क्वायर, तो ऐसे करते करते ये जो बीच में जीरो की डिजिट है ये बढ़ती जा रही है, बाकी तो सेम है, ये जीरो जो है बीच में बढ़ते जा रहे हैं। तो हमसे जो लास्ट पूछ रहा है उसमें देखिए कैसे आएगा, उसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है जो भी आंसर आएगा उसका। तो इस तरीके से जितनी डिजिट है उसके जीरो बीच में बढ़ा रहे हैं हमें, तो लास्ट हमारा जो बनेगा 1 2 3 6, लास्ट में हमारे पास बीच में 6 जीरो रहेंगे, 6 और 1 का स्क्वायर, तो ये आएगा।
क्योंकि पैटर्न क्या चल रहा है, जीरो बीच में बढ़ते जा रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर फाइव है उसमें भी हमें पैटर्न ही देखना है। तो हम LHS में क्या पैटर्न गिवन है और RHS में क्या पैटर्न गिवन है, दोनों पैटर्न को देख के हमें उसको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, 112 इसको कन्वर्ट किया है 121, 2 को आगे ले लिया। नेक्स्ट है 1012 इक्वल्स टू, क्या पैटर्न गिवन है, 10201। तो देखिए क्या किया, 2 आगे था, 2 के बीच में एक जीरो यहाँ आते, यहाँ 2 के आगे भी जीरो लगा दिया, 2 के पीछे। नेक्स्ट देखिए 10 10 2, तो अब देखिए 2 10 हो गई तो 2 0, अब 3 डिजिट लेनी पड़ेगी हमें, 1 1 0 2 0 3 0 2 0 1, तरीके से हो जाएगा। अगला जो नेक्स्ट पैटर्न है 1 0 1 0 1 0 2 इक्वल्स टू, अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 है तो डिजिट 4 से 5 हुई तो 0 2 0 3 इतना तक तो है, 0 4 हमें वापस इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में 0 4 0 3 0 0 2 0 1 इस तरीके से पैटर्न फॉलो करना है। पैटर्न फॉलो करेंगे तो हमें इस तरीके से आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड मिसिंग नंबर्स। ये हमें कुछ पैटर्न दिया हुआ है इस तरीके से, इसमें ये जो मिसिंग नंबर है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें इस पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है, पैटर्न क्या है, सबसे पहले हमें दे रखा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर तो समझ आया, ये 2 स्क्वायर कैसे आया, तो ये 2 स्क्वायर ऐसे आया जो आगे 1 और 2 है उसका मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, देन 3 स्क्वायर, नेक्स्ट देखिए वापिस वही 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये 6 6 कैसे आया, 2 और 3 का मल्टीप्लाई। ओके, तो ये हो गया 7 स्क्वायर। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर होना चाहिए, ये फिल हो गया, 5 के बाद क्या आएगा 6, तो ये 6 का स्क्वायर होएगा, ये फिलअप हो गया इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए 7 6 एंड 7, तो 6 का स्क्वायर होना चाहिए, 7 का भी स्क्वायर होना चाहिए, 6 और 7 का भी यहाँ क्या आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई, 6 7 42, तो ये 42 का स्क्वायर होगा, वो अब यहाँ पे आएगा आंसर 3 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सिंपल है, हमें यहाँ वाला फाइंड करना है तो हम इसको सॉल्व कर ले, प्लस 2 का स्क्वायर, ये इतना तो एज इट इज लेना है, फिर यहाँ माइनस होगा क्या, 1 माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर, तो ये पैटर्न इधर चल रहा है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, ये देखो 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे 6 मल्टीप्लाई 7, और जो भी आंसर आएगा उसका पूरे का स्क्वायर कर लेंगे, तो ये कैसे आएगा, देखो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 7 का होगा 49 माइनस 6 6 7 42, तो और इस पूरे का होल स्क्वायर, तो 36 आएगा 43, तो ये रहेगा 43 का स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से LHS साइड में जो पैटर्न चल रहा है वो भी देखना है और RHS साइड में जो पैटर्न चल रहा है वो भी देखना है। तो सिंपली आ जाएगा LHS में ये पैटर्न चलता है कि जो पेयर है उनका हम पहले सेम एज इट इज ये लेना है यहाँ से, और जो यहाँ हम कर रहे हैं 1 मल्टीप्लाई 2, यहाँ माइनस करना है, बस क्या करना है, माइनस। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विदाउट एडिंग फाइंड सम, बिना एड किए सम फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास जो नंबर क्या है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये नंबर है, इनको बिना ऐड किए हमें सम करके दिखाना है। तो बिना ऐड किए सम कैसे होगा, देखिए इस नंबर का पैटर्न देखिए, ये सारे ऑड नंबर है, क्या है, ये सारे ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर जो फर्स्ट कितने भी ले लो, फर्स्ट 5 ले लो, फर्स्ट 10 ले लो, फर्स्ट 6 ले लो, फर्स्ट जितने भी ऑड नंबर का हमें ऐड करना है, एडिशन करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है, जितने भी ये नंबर है फर्स्ट 5 है तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 25। ओके, तो इन सबको ऐड करने से क्या आएगा आंसर, 25, क्यों, क्योंकि ये 5 है, देखो 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर का हमें एडिशन निकालना है, तो जितने नंबर है 5 है 5 का स्क्वायर कर दो 25, फर्स्ट 10 का निकालना है तो 10 का स्क्वायर कर दो,
टेन मल्टीप्लाई टेन इक्वल्स टू 100। ओके, तो इस तरीके से बिना ऐड किए हम इनके सम फाइंड कर सकते हैं, सम फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट में हमें सम गिवन है, सम गिवन है, हमें ऑड नंबर फाइंड करना है। क्वेश्चन में सम तो गिवन है, हमें ऑड नंबर फाइंड करना है। तो सम क्या गिवन है? फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 49। तो 49 किसका स्क्वायर होता है? देखिए 49 7 का स्क्वायर होता है। ओके, तो मीन्स 49 जो है वो फर्स्ट 7 ऑड नंबर का एडिशन है। तो फर्स्ट 7 ऑड नंबर क्या हो जाएंगे? 1 3 5 7 9 11 और 13। तो ये फर्स्ट जो 7 ऑड नंबर है इनका जब हम टोटल करेंगे तो क्या आएगा? 49। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 में किया उसका हमें उल्टा करना है यहाँ पे। ओके, तो आगे देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर में ये कह रहा है कि फाइंड नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर्स। जो हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है इसका 12 एंड 13, ये कह रहा है कि जब 12 का स्क्वायर करेंगे ठीक है और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर करने पर आंसर आएगा 144, 13 का करेंगे 169। इनके बीच में कितने नंबर्स हैं ये हमें फाइंड करके बताने हैं। तो स्क्वायर्स के बीच में 12 और 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो उनके बीच में कितने नंबर आएंगे ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए 12 n हो गया, 13 क्या होगा? n में एक ऐड हो गया ना, n प्लस 1। तो जब n स्क्वायर और n प्लस 1 स्क्वायर के बीच में हमें नंबर फाइंड करने होते हैं तो वो हमेशा नंबर होंगे 2n। कितने होंगे? 2n। तो n मींस n कौन है? n है 12। तो 2 मल्टीप्लाई 12 इक्वल्स टू 24। तो जब हम 12 और 13 के स्क्वायर करेंगे यानी कि 144 और 169, इनके बीच में कितने नंबर आएंगे? 24 नंबर इनके बीच में आएंगे। आप काउंट करके देख लीजिए भली। नेक्स्ट 25 एंड 26 के बीच में काउंट करना है तो कितने होंगे? देखिए 25 का स्क्वायर और 26 का जब स्क्वायर, एन हो गया 25 और ये हो गया एन प्लस 1 इनका स्क्वायर, तो इनके बीच में नंबर कितने होते हैं? 2n होते हैं। तो n कौन है? 25, 2 मल्टीप्लाई 25 यानी कि 50, आंसर आएगा 50। ओके,